मसाला फ्राई करके मैंने दिखाया आप लोगों को, 2 टीस्पून डाल के कितना अच्छा कम में कितना बढ़िया बढ़िया टिक्की बन गया। आप लोग शाम को खा लीजिए, सॉस के साथ खाना, अचार के साथ खाना, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप लोग बना के एक बार खा के बताइए कैसा लगा, कैसा टेस्ट आया, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सावित्रीज किचन। आप लोग कैसा है, भगवान दया से सब ठीक ठाक है, सब हेल्दी है, सब खुशी रहने के लिए हर दिन भगवान को प्रेयर कर रहे हैं सबके लिए। मैं भी अच्छी हूँ। आज आप लोगों को सामने लेके आई हूँ चने दाल का टिक्की। हम लोग आलू टिक्की खाते हैं ना, ऐसे ही चने दाल का बढ़िया टेस्टी आ जाएगा। शाम को स्नैक जैसा खा सकते हैं, दोपहर को खा सकते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। कैसा बनाने का मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके साइड में एक घंटी है उसको दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए। मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। अभी मैंने चने दाल 1 कप, आप लोगों को कितना लोगे वही क्वांटिटी आप लोग ले लीजिए। मैं तो 1 कप लिया है, आप लोग ज्यादा लोगे तो ज्यादा लीजिए, कम में तो और आधा कप भी ले सकते हैं। मैंने 1 कप चने दाल लिया है। चने दाल मैंने 3 घंटा भिगो के रखा है, भिगो के रख के धो के अच्छे से लेके आएंगे, मिक्सी में डालती हूँ इसको। एक कप चने दाल है, उसका अंदर 2 हरी मिर्ची लिया है और अदरक लिया है 1 इंच से आधा छोटा सा अदरक लिया है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, प्याज 1 प्याज लिया है, 1 छोटा सा प्याज लिया है, 2 बड़ा टेबलस्पून नारियल है, ये पीसेस से। अभी थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, स्वाद अनुसार आप लोगों को कम खाता है ज्यादा खाता है देख के नमक डाल दीजिए। सब सिंपल है, बहुत ही अच्छा टिक्की बनेगा। अब ये पीस के लेके आते हो आप लोग के साथ। देखो फ्रेंड्स, मैंने पीस के लेके आई हूँ, कितना अच्छा पीस है देखना। इसमें नारियल और हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, थोड़ा अदरक और प्याज। प्याज डालने बिल्कुल पानी नहीं डालने का है, एकदम चने दाल में पानी बिल्कुल पूरा निकालने का है, एकदम निकालने का है। निकाल के अच्छे से थोड़ा सा प्याज डालते हैं ना, थोड़ा नमक भी डालते हैं, उससे पानी आता है, उससे पीस लिया मैंने, बिल्कुल पानी नहीं डाला। आप लोग पानी डालेगा पतला हो जाएगा, टिक्की बनाने के लिए एकदम नहीं आए फिर प्रॉब्लम आ जाएगा आप लोगों को, इसलिए पानी बिल्कुल मत डालिए। इसे थोड़ा सा कच्चा पिच्चा भी पीस सकता है, मैंने थोड़ा सा बारीक किया है। आप लोग को थोड़ा क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ा कच्चा पिच्चा पीस लीजिए। इसके अंदर 2 टेबलस्पून बेसन डालने का है, कि उसका बाइंडिंग के लिए चाहिए होता है उसका। 2 टेबलस्पून प्याज बारीक कटा हुआ डालने का, एकदम इसको मिक्स करने का। अभी आप लोग को नमक कम होगी तो बेसन और प्याज डालना ना, कम पड़ेगा तो देख के आप लोग टेस्ट देख के थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, कम डालने वाला कम खा लीजिए, आप लोग का हिसाब से नमक डाल दीजिए। अभी मैं टिक्की कैसा बनाने दिखाती हूँ। तवा रखा है, अभी मीडियम में रखा है गैस को, हाई में नहीं रखने का, थोड़ा आराम से करेगा ना, कच्चा कच्चा नहीं रहेगा। हम लोग चने दाल बॉईल नहीं किया ना, सब कच्चा पीस है, इसलिए थोड़ा सा मीडियम में रख के आराम से हम लोग टिक्की बनाएंगे ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा, कच्चापन नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। हम लोग ज्यादा ऑयल नहीं डालने का, 2 टीस्पून ऑयल डाला मैंने, देखना कितना कम डाल दिया ना थोड़ा सा। इसको शैलो फ्राई करेंगे हम लोग, डीप फ्राई नहीं करने का, हम लोग शैलो फ्राई करेंगे ना, एक दो ज्यादा खा सकता है। आप लोग एकदम पतला मत करना, देखना पानी डालेगा पतला हो जाएगा, फिर टिक्की नहीं आएगा, देखना कितना अच्छा कड़क आया ना। फिर ज्यादा बेसन डालेगा ना फिर टेस्ट बिगड़ जाएगा चने दाल। आप लोग को कौन सा डिजाइन चाहिए वो बनाइए, मगर आप लोग छोटा छोटा पतला सा बनाइए। हम लोग शैलो फ्राई कर रहे हैं ना, मोटा बनाएगी तो टाइम लगता है, आज से नहीं आएगी तो प्लास्टिक कवर लीजिए, प्लास्टिक कवर में थोड़ा सा लगा के कर दीजिए। मैंने हाथ से कर रही है सर, मैंने पतला कर रही है, लेकिन ऐसा निकाल के हम लोग अच्छे से, हाथ में चिपक जाएगी तो थोड़ा सा तेल लगाइए तब एकदम अच्छे से आ जाएगा, देखना तेल लगाएगी तो एकदम आसान से आ जाता है।
देखने कितना अच्छा लग रहा है ना अभी। देखा फ्रेंड्स, ऐसे बनाइए देखना, और एक बार दिखा रही आपको हाथ से ऐसा करना आराम से। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाइए, चिपक जाएगा ना फटाक, लगा के ऐसा मीडियम में रख दीजिए, हाई में मत रखिए। क्यों दो बार बोल रहे, आप लोग भूल जाएगा, हाई में रखेगा ना कच्चा कच्चा रहेगा, ऊपर काला पड़ जाएगा, वो जल जाएगा। शैलो फ्राई कर रहे हैं ना आप लोग, एकदम सिम में मत रखना, हाई में मत रखना, मीडियम में रख दीजिए। धीरे धीरे थोड़ा सा हिलाते हिलाते आराम से देख के कर दीजिए, थोड़ा जल जाएगा, थोड़ा हिलाते रहने का। देखना कितना अच्छा लग रहे है ना अभी, कलर भी कितना अच्छा आ रहे है, एकदम बढ़िया। ऑयल भी ज्यादा नहीं है ना, दो टीस्पून बोलेगा तो कितना लगेगा हम लोग का, सब्जी में तड़का लगाते हैं उतना भी नहीं है। कितना अच्छा स्नैक्स, बस मस्त है, हेल्दी भी है, चने दाल भी है ना, बच्चा लोग को भी अच्छा, स्टमक भी फुल हो जाएगा, हेल्दी भी रहेगा, हम लोग को भी हेल्दी रहेगा। ऑयल ऑयल वो बाहर का बिस्किट विस्किट खाने में, ये बना के खा लीजिए। अच्छा अच्छा चीज दिखा रही है मैं, हेल्दी फूड दिखा रही है। आप लोग मेरा चैनल को फॉलो कर दीजिए, मैं कैसा बनाया वैसे आप लोग बना के खा लीजिए, बहुत हेल्दी रहेगा। बहुत सिंपल सिंपल वीडियोस निकाल रही है मैं, ज्यादा लंबा भी नहीं है, बहुत शॉर्ट में दिखा रही है, बहुत छोटा छोटा दिखा रही है आप लोगों को, फटाफट बोल रही है मैं, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं है ना इतना सुनने के लिए देखने के लिए, इसलिए छोटा छोटा वीडियोस दे रही है मैं, वो भी फटाफट फटाफट बोल रही है मैं, जल्दी जल्दी देख के आप लोग अच्छे से बना के खा के आप लोग हेल्दी रहेंगे। देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा बन रहे हैं, और थोड़ा बनने का है, थोड़ा सा एकदम क्रिस्पी बनेगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। अभी उसको उल्टा करके देखेंगे हम लोग, अच्छा बन गया ना, देखना कितना अच्छा, सिम में है ना इसलिए बहुत सिम में रख के एकदम पक गया है। देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहे, देखना फ्रेंड्स हो गए ना, अभी ये निकालेंगे, अभी देखना कितना अच्छा बन गए ना। रोज हम लोग को लगता है क्या बनाना क्या बनाना, मेरा चैनल खोल के देख लीजिए, ऐसा वैरायटी आ जाएगा, पटक से देख के बनाइए। देखने कितना अच्छा आ गए ना, इसमें सॉस के साथ अचार के साथ आप लोगों का मर्जी कैसा भी खा सकते हैं, ऐसे खाएंगे तो भी बहुत बढ़िया टेस्ट आया। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा चने दाल का टिक्की बनाया मैंने, कितना अच्छा पक गया है वो, देखने कितना अच्छा बन गया है। बच्चे लोग भी खा सकते हैं, आप लोग भी खा सकते हैं, इसमें नारियल भी डाला ना, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रही है। आप लोग हेल्दी भी है, चने दाल है, नारियल है, और क्या प्याज है, सब कुछ डाला है आप लोग, मैंने उसके अंदर धनिया पत्ते डालेंगे तो टेस्ट बिगड़ जाएगा इसीलिए नहीं डाला है। आप लोग को चाहिए तो डाल सकते हैं धनिया और जीरा भी, मैंने नहीं डाला क्यों, वो टेस्ट अलग रहता है, ये टेस्ट अलग रहता है। आप लोग बना के एक बार खा के बताइए कैसा लगा, कैसा टेस्ट आया, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर।